हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं पेड़े जो खाने में जितने टेस्टी हैं बनाने में उतने ही आसान हैं। और इन पेड़ों को बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। अब हम गैस पर इसे उबलने के लिए रख देंगे। आप पैकेट वाला भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने वही दूध इस्तेमाल किया है जो हम रेगुलर घर पर यूज़ करते हैं। अगर आपके पास दूध कम है तो आप आधी मात्रा में दूध ले लें और 1 कटोरी मिल्क पाउडर भी इसमें ऐड करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब हम दूध में उबाल आने देते हैं। दूध उबल चुका है, अब हम आँच को कम कर देंगे ताकि हमारा दूध ना जले और ये जल्दी गाढ़ा हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 चम्मच अरारोट का आटा डाल रहे हैं। आप अरारोट का आटा या मैदा कुछ भी 2 चम्मच ठंडे पानी में या ठंडे दूध में घोल कर डाल लें। उससे क्या होगा, हमारा ये जल्दी थिक हो जाएगा और ज़्यादा मात्रा में भी बनेगा। गर्म दूध में इसे कभी नहीं घोलना, अगर आप गर्म दूध में घोलेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसे मिला लेंगे, एक साथ नहीं डालना है और साथ में दूध भी चलाते रहें। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा इसमें डाल दिया है। अब हमें घंटों गैस नहीं जलानी पड़ेगी। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो आप टोटल स्किप भी कर सकते हैं। दूध ज़्यादा मात्रा में लेकर उसका मावा भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। लेकिन इसे डालने से ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। ये देखिए, इसने कितना जल्दी गाढ़ा होना स्टार्ट कर दिया है। लगभग 5 मिनट में ही ये गाढ़ा होने लगा है। इसको हमें मीडियम आंच पर ही बनाना है, अगर तेज आंच पर बनाएंगे तो ये नीचे लग जाएगा। चीनी भी हम इसमें अभी ऐड कर लेते हैं। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो। वैसे 1 किलो दूध में लगभग 70-80 ग्राम के आसपास चीनी डलेगी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे जो इसका टेस्ट बढ़ाएगी। मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच इसमें नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। इसे डालने से भी इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और भी आप अपनी पसंद के हिसाब से जो आपको चीज़ें पसंद हो इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो आपको पसंद ना हो वो स्किप कर सकते हैं, ये आपकी पसंद के ऊपर है। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हैं। घी डालने से ये नीचे नहीं लगेगा और इसे चलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके दूध में फैट कम है तो आप 2 चम्मच भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें घी पे गैप पर आप इसमें रिफाइंड भी डाल सकते हैं, पर घी से इसका टेस्ट अच्छा आता है। घी डालने से ये कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और आराम से ये बन जाएगा। हमें इसे इतना गाढ़ा करना है कि हमें इसकी बर्फ़ी जमानी हो या पेड़े बनाने हो आसानी से बन जाएं, लेकिन आंच को हमें धीमा ही रखना है। आंच अगर तेज़ करेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। हमें यहाँ पर आंच को धीमा ही रखना है। अब हमें इसे चलाते हुए इतना सख्त कर लेना है कि पेड़े हमारे आसानी से बन जाएं, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर मावा हमारा नरम रहेगा तो पेड़े अच्छे नहीं बनेंगे। आप गैस से उतारने से पहले गोली बनाकर देख लें कि इसके पेड़े अच्छे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आपको पता लग जाएगा हमें इसे कितना पकाना है। ये पक चुका है, अब हमने इसे कुछ देर फ्रिज में ठंडा कर लिया है। अब चिकना हाथ करके हम थोड़ा सा इसे मसल लेंगे ताकि हमारा मावा और सॉफ्ट हो जाए और इसकी छोटे छोटे गोले बना लेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से ये गोले बना सकते हैं। अगर आपको बड़े साइज़ में बनाने हैं तो गोले थोड़े बड़े बना सकते हैं। हम पहले सारे मावे के गोले बना लेते हैं। हमने गोले बना लिए हैं। ये देखिए, 1 किलो दूध से हमारी कितनी मिठाई रेडी हो गई है और इसे हम पेड़े का आकार देंगे। अब हम इसे प्लेट में रख लेते हैं।
लगभग 2 प्लेट हमारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं 1 किलो दूध से, और 2 पीस बच भी गए हैं। अब हम इसमें इसे सूखे मेवे से गार्निश कर देंगे। तो ये सिंपल सी पेड़े बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी और इजी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। अगर आपको इस रेसिपी को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।